हेलो एवरीवन, डी ट्रिपलेस बी पीआरटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आप लोग यहां पर बैक टू स्कूल पर आए हैं। और आज हम पैडागोजी का एक और चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 होगा, जिसका टाइटल है व्हाट इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, वो हम करने वाले हैं। ये जो चैप्टर होगा ये चैप्टर नंबर 7 होगा जो हम ये कोर्स लेकर आए हैं। दोस्तों, ये हमने जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आपको पता है जो राक्षस होते हैं वो आपस में कट मर जाते हैं, तो ये जो एग्जाम माफियाज हैं वो आपस में कट मर रहे हैं, कोई वैकेंसीज के ऊपर, कोई कोर्सेज के ऊपर, लेकिन सेल्फ स्टडी का टॉपिक कोई नहीं उठाता है। क्यों? क्योंकि वी आर हेयर और हम अपने दम से एग्जाम को निकालने वाले हैं। अब की बार हमारे चैनल से दोस्तों जितने भी शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उनके कमेंट्स आप देख सकते हैं, आपको सैकड़ों में ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो अपने जीवन में खुश हैं, जो धुएं की तरफ नहीं जाते, जिनके अंदर की आग जल रही है। दूर से उन्हें धुआं दिखा वो सोचते हैं आग भी होगी वहां पर, लेकिन कई लोग धुएं की टंकी अपने पास रखते हैं, धुआं निकलता रहता है, लोग जाते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन आपके दिल में आग है और आप कर रहे हो सेल्फ स्टडी। तो उसके लिए ये जो मैं कोर्स लेकर आया हूं, ये आप अपने दम से हर एक चीज करने वाले हैं डी ट्रिपलेस पी में। हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये चीज यहां देखो बाकी कोर्स ले लो। क्या होता है कोर्स? आपकी आग मुझे चाहिए, आई एम विद यू, हमें किसी और की क्या जरूरत है, और हमें और क्या चाहिए, आपके अंदर की आग चाहिए, और सेल्फ स्टडी से निकालेंगे इस एग्जाम को। सातवें चैप्टर में देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, ये एक छोटी चीज है, आपको देखना है बाल केंद्रित शिक्षा में टीचर किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से, क्या रोल टीचर का होता है, बच्चे की हेल्प किस तरीके से करता है, और जिस तरीके से आपने बाल केंद्रित शिक्षा को आज तक देखा है उसके लेवल को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए। क्योंकि आप यहां पर बच्चों वाली बातें नहीं पढ़ने वाले, यहां पर आप ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो नौकरी के एग्जाम में आती हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। बस एक चीज मुझे आपसे चाहिए, इन चीजों को नोट कर लेना बस। चलो चलते हैं आगे। बाल केंद्रित शिक्षा होती क्या है? अब देखिए, इसके नाम से ही आप क्या समझें, बाल केंद्रित यानी कि एक बालक है, उसी को ध्यान में रखते हुए उसके लिए सिलेबस बनाया जाएगा, उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज डिजाइन की जाएंगी, उसको किस तरीके से अच्छे से सिखाया जाए और किस तरीके से उसने कितना सीखा है उसको मापा जाए, सारी की सारी चीजें, बच्चे की एबिलिटी यानी कि बच्चे की क्षमता, बच्चे का इंटरेस्ट यानी कि बच्चे की रुचि, और बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कैसे भविष्य, उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो शैक्षिक ढांचा बनाया जाता है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अब बाल केंद्रित शिक्षा शुरुआत से ही नहीं थी। देखिए, अगर आप स्कूल के अंदर देखें तो दो तरीके के एजुकेशनल ऑपरेशंस आपको दिखते थे। एक तो पहले टाइम पे क्या होता था, पहले टाइम पर होता था आपका शिक्षक केंद्रित। क्या? शिक्षक केंद्रित, जिसे टीचर सेंटर्ड कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका छात्र केंद्रित, या फिर उसे बालक केंद्रित भी कहा जाता है, जिसको चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन आप बोलते हैं। तो इसके अंदर अंतर क्या है, यहां पर देखिए आप गलत क्या करते हैं। देखिए, यहां पर शिक्षक केंद्रित में क्या बोला जाता है कि यहां पर जो टीचर होगा वो एक्टिव होगा, यानी कि टीचर क्या होगा, चुस्त होगा, लेकिन यहां पर जो स्टूडेंट होगा यानी कि जो छात्र होगा वो सुस्त होगा। ये तो हम सब भी मानते हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन से जो दूसरी है शिक्षक केंद्रित, उसमें एक्टिव टीचर रहेगा लेकिन बच्चा इसमें सुस्त रहेगा। लेकिन गलती आप क्या करते हो कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रहती है उसके अंदर, आप मुझे बताइए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के अंदर एक तरफ तो हो गया टीचर और एक तरफ हो गया स्टूडेंट, कौन एक्टिव रहेगा कौन नहीं रहेगा? आपने क्या पढ़ा है आज तक? आपने पढ़ा है कि जो स्टूडेंट होंगे वो एक्टिव होंगे, चुस्त होंगे, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, लेकिन जो टीचर होंगे वो भी एक्टिव होंगे, वो भी क्या होंगे, चुस्त होंगे। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा में दो ऑपरेशन होते हैं। जो छात्र होते हैं वो करते हैं लर्न यानी कि अधिगम करते हैं,
और जो टीचर होता है उस अधिगम को उसी टाइम पर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, यानी कि उसके ऊपर ध्यान देता है। और डीप भाषा में पढ़ें तो पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण का मतलब ये होता है ऑब्जर्व करता है। तो जब बच्चा लर्न कर रहा होगा तो टीचर बैक साइड में कहीं से दूर से उसको देख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे सीखते रहें, चाहे गलत सीखे, चाहे कुछ सीखे ना सीखे, जो नहीं सीखना चाहिए वो सीख रहे हो तो टीचर ध्यान नहीं देगा, सब कुछ बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। नहीं, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का आपके माइंड के अंदर ये प्रोजेक्शन डाल दिया जाता है कि बच्चे सब कुछ करें, ऐसा नहीं होता। ऐसा तो एक कमरे में रोक दो आप, क्या वो सब कुछ पढ़ लेंगे? नहीं, एक टीचर को ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर टीचर भी एक्टिव होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें, ठीक है। चलिए, ये मैं कोई अपनी बड़ाई मारने के लिए ये नहीं कह रहा कि मतलब कि मैंने आपको कोई अलग चीज़ बता दी, लेकिन मैं आपको अवेयर करने के लिए कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप YouTube पर देखते हैं आप ये देखा करो कि आप चीज़ें कहाँ से पढ़ रहे हो। बाकी खैर कोई बात नहीं, उस बात को छोड़ो। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की जड़ें आप समझ गए हैं, अब इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए, प्रत्येक बालक पर व्यक्तिगत ध्यान इसमें दिया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या दी जाती है, पर्सनल अटेंशन। क्या होती है? पर्सनल अटेंशन। हर एक बालक पर क्या दिया जाता है? व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सिंपल है कि एक क्लास में 30 बच्चे होंगे, एक क्लास में 30 बच्चे होंगे, उनके माँ बाप या बच्चे के भविष्य के लिए क्या जरूरी है कि हर एक बच्चा जब स्कूल में जाए तो डेली उसके ऊपर व्यक्तिगत पर्सनल अटेंशन दी जाए। एक झुंड के अंदर सीखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक टीचर का रोल होता है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में कि वो बच्चों के ऊपर पर्सनल अटेंशन भी दे और उनको ग्रुप में भी पढ़ाए। जब भी आपसे ये पूछे, कोई भी बच्चा एग्जाम में आया हुआ है डी ट्रिपल एस में कई बार, कि बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ता है तो क्या वो व्यक्तिगत रूप से पढ़ता है या सामूहिक रूप से पढ़ता है, क्या वो इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से स्टडी करता है या वो ग्रुप स्टडी करता है? तो आपका आंसर होगा वो ग्रुप स्टडी भी करता है और वो इंडिविजुअल तरीके से भी पढ़ता है। यानी कि जब गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं तो वो अकेला भी पढ़ रहा होता है, पर्सनली भी, जब गुरुजी की आई टू आई कॉन्टैक्ट हो जाता है और वो कहता है कि ऐसे फील करते हैं ना कि जब टीचर पढ़ा रहे हो आपकी आई कॉन्टैक्ट हो जाए तो टीचर को लगता है भाई सुन रहा है ये, और फिर टीचर सबके ऊपर भी नजर फेरता है, यानी कि अकेले में भी और ग्रुप में भी एक मिला जुला जो है रूप इसके अंदर देखने को मिलता है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो शर्म किस बात की है, प्यारा सा लाइक कमेंट। आगे देखो, पहली चीज आपने देखी। दूसरा, अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको कोई बताता नहीं है यूट्यूब पे, क्योंकि दोस्त ये इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये विभेदक अनुदेशन होता है इसके अंदर। देखिए, अनुदेशन का मतलब क्या होता है? अनुदेशन का मतलब होता है आप बच्चे को क्या करते हो, इंस्ट्रक्ट करते हो। अब देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा बेशक है, लेकिन आप बच्चे को इंस्ट्रक्ट तो करोगे ना, क्या जरूर करोगे, इंस्ट्रक्ट जरूर करोगे। तो इंस्ट्रक्ट जब आप बच्चे को करते हो, यानी कि जब आप बच्चे को कहते हो बच्चे अब ऐसे कर ऐसे कर, थोड़े से आप बच्चे की हेल्प करते हो, जैसे कि मान लो बच्चे को जमा करना नहीं आ रहा तो आप उसे बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कर, ये करके देख, वो करके देख। तो इसमें जो अनुदेशन होता है वो विभेदक होता है। विभेदक का मतलब क्या होता है? विभेदक का मतलब होता है सबको अलग अलग। क्या होता है? सबको अलग अलग, यानी कि यहां पर जो इंस्ट्रक्ट दिए जाएंगे वो सबको अलग अलग दिए जाएंगे। वही बात कि 30 बच्चे हैं दोस्तों, उन 300 बच्चों को ध्यान में रखकर कि रोल नंबर 1 का ये नाम है, ये किस तरीके से सीखता है, यानी कि 30 के 30 बच्चों को उनके हिसाब से जो है अनुदेशन दिया जाएगा। यानी कि रीना मीना सोना टोना मोना नोनी जितने भी नाम है, मानो 30 बच्चे हैं उनके एडमिशन हो गए एक क्लास में, तो एक टीचर जब सिलेक्ट होकर जाएगा तो वो क्या करेगा, इन 30 के हिसाब से कि ये बच्चे हैं कैसे, इनका पर्सनल मतलब कि आइडेंटिटी क्या है, ये कैसे सीखते हैं, इन्हें कैसे सिखाया जाना चाहिए, कैसे ये अच्छे से और सीख पाएंगे, सबको उनके हिसाब से पर्सनलाइज तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसको विभेदक अनुदेशन कहा जाता है। विभेदक का मतलब है विभेद मतलब कि अंतर,
आपके सीखने में, मेरे सीखने में, और जब आप टीचर सेलेक्ट होकर जाओगे आपके सामने 30 बच्चे होंगे तो 30 के 30 बच्चों के सीखने में अंतर होगा। तो उनके अंतरों को पहचान कर, इंडिविजुअलाइज डिफरेंसेस को जानकर विभेदक अनुदेशन आप देंगे। एक ही लकड़ी से सबको नहीं हाकेंगे कि देखो ये मैं 4000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा या करवाऊंगी, इसी से ही आप जो है सुपरमैन हो जाएंगे। ये चीजें नहीं होती हैं, सब अलग होते हैं। आगे देखिए, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के अंदर शिक्षा परिणाम केंद्रित न होकर प्रक्रिया आधारित होती है, यानी कि एजुकेशन इन द चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन इज प्रोसेस ओरिएंटेड नॉट गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के ऊपर सीखते वक्त जो टाइम होता है, सीखते वक्त का जो टाइम होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। लेकिन दूसरे जो तरीके होते हैं चाइल्ड सेंट्रिक के अलावा, उनमें गोल ओरिएंटेड होता है। यानी कि मान लो एक लड़का है, वो अगर सिर्फ मैथ्स इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसे अपने लास्ट एग्जाम में 100 में से 95 नंबर चाहिए, तो वो गोल ओरिएंटेड पढ़ना हुआ। लेकिन यहां पर प्रक्रिया आधारित होने का मतलब ये होता है कि जब वो मैथ्स धीरे धीरे सीख रहा था तो उसने हर मैथ्स का फायदा भी उठाया। जैसे उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा फ्रिज के अंदर से बोतल निकाल के लेके रहा और बताओ कितनी बोतल खाली है पानी जिनमें नहीं है, तो उसने काउंट करके बताया, छोटा बच्चा था। तो सीखते वक्त का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के ऊपर। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग होता है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है। जो गोल होता है, गोल ओरिएंटेड ये नहीं होती है, ये आप मानिए, ठीक है, ये गोल ओरिएंटेड नहीं होती, ये सीखते वक्त का टाइम, इसके अंदर लर्निंग ओरिएंटेड ये होती है। ऐसा क्यों है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चे अपनी गति से सीखते हैं। आपने ये चीज देखी होगी, अपनी गति से, यानी कि एवरी चाइल्ड लर्न अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। हर एक बच्चा अलग है, कोई 2 दिन में किसी चीज को सीखेगा, कोई 3 दिन में। तो इसलिए ये जरूरी है, इसीलिए इसकी ये नेचर होनी भी बहुत जरूरी थी कि अगर आप ये बोल देते कि एक चैप्टर आपको 10 दिन में करना है तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाती कि 10 दिन में जिसने सीख लिया वो अच्छा वो बुरा। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया कि 30 के 30 बच्चे इस चैप्टर 1 को कितने भी दिन में सीख सकते हो, तो हर एक बच्चे ने यह बताया कि मैंने इतने दिन में सीखा, दूसरा बोला मैंने तो सिर्फ इतने दिन में, वो बोला कि मैंने तो सिर्फ इतने दिन में, बोला कि मुझे तो इससे डबल टाइम लग गया। इसमें कहीं पर भी दिनों की बात नहीं हुई, वैसे डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चे आपस में कि हमें कितने दिन लग गए, लेकिन सब अपनी प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, दिनों की बात नहीं थी। तो दिन के अंदर या किसी चीज रिजल्ट के अंदर लिमिट करके अगर आप इस प्रोसेस को समझेंगे तो ये प्रोसेस वो नहीं है। इसके अंदर जो जर्नी होती है लर्निंग की उसको इंपॉर्टेंट दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आगे, इसमें समझ के लिए शिक्षण है ना कि याद करने हेतु। देखिए एनसीएफ ने भी ये बात बिल्कुल स्पष्टता से कही है कि जो रोट लर्निंग होती है, रोट लर्निंग को मनाही की गई है, यानी कि बच्चे को रट्टू तोता नहीं बनाना। आजकल आपने देखा होगा कि आप किसी भी घर में जाओ तो छोटे छोटे बच्चों को बुला लेते हैं रिश्तेदारों को इंप्रेस करने के लिए, फिर वो कविताएं सुनाते हैं छोटे छोटे बच्चे, और उनसे पूछें कि इसका मतलब क्या होता है। तो फिर आपने देखा होगा कि एक फ़ोन के अंदर, मान लो छोटा सा फ़ोन है, उसके अंदर अगर आप 128 GB का मेमोरी कार्ड डाल दें तो वो हैंग हो जाता है। तो बच्चों की गलती नहीं है, वो हैंग हो जाते हैं। इतनी लंबी लंबी पोएम याद तो कर ली, उनका मतलब पूछते हैं तो बोलते हैं मैडम, मैडम से पूछ के बताऊंगा, मैडम ने मतलब नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षण हो रहा है उसके अंदर ध्यान किस चीज़ के ऊपर दिया जा रहा है, जहाँ पर टीचर सेंटर्ड होती है वहाँ पर याद करने हेतु, लेकिन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में समझने हेतु। याद रखना, इसमें समझने हेतु, यानी कि यहाँ पर लर्निंग बाई डूइंग और अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ना कि रिमेंबरिंग को। याद करना, रटना, तुक्के मारना, अंदाजा लगाना चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। देर से सीखो लेकिन पुख्ता तरीके से सीखो, खुद करके सीखो, कभी नहीं भूलोगे, परमानेंट लर्निंग करो, ये तरीका है इसमें। अब देखो, बाल केंद्रित शिक्षा की एक सबसे जबरदस्त जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो ये भी है कि इसका जो पाठ्यचर्या होती है,
जो इसका करिकुलम होता है, जो इसका सिलेबस होता है, वो लचीला होता है। अब देखिए यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखी, एक चीज होती है दोस्तों सिलेबस, जिसे आप जो है पाठ्यक्रम बोलते हैं, और दूसरी होती है करिकुलम, जिसे आप पाठ्यचर्या बोलते हो। देखिए सिलेबस करिकुलम का एक भाग होता है, इस ये एक अलग चैप्टर आएगा जिसको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। करिकुलम के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो सिलेबस आ जाता है, करिकुलम के दो पार्ट होते हैं बेसिकली मेन, एक तो होता है यहां पर सिलेबस, जैसा मैंने बताया ये सिलेबस करिकुलम का पार्ट है, एक होती है CCA को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, तो इसको एक अलग चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को ही ध्यान में रख के कि बच्चे को क्या सीखना है, बच्चे के लिए, बच्चा मान लो मैथ सीखना चाहता है तो बच्चे को मैथ सिखाने के लिए पहले टीचर को परिस्थिति पैदा करनी पड़ेगी। बच्चा एकदम से तो मैथ सीखने नहीं लगेगा, कि उसके मन में एकदम से आ गया कि अब मैं जमा के बाद मैं घटा सीखूंगा, फिर गुणा सीखूंगा, फिर भाग सीखूंगा, कैसे आएगा उसके मन में? आप परिस्थिति पैदा करोगे। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में जो पाठ्यक्रम होगा वो लचीला होगा, लचीले का मतलब है 30 बच्चे हैं, आप मैथ के उसमें मान लो 10 चैप्टर हैं, और मान लो एग्जाम जो है, या मतलब कि अगले साल जो टेस्ट वेस्ट जो है, फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी मान लो, वो है 6 महीने में, 6 मंथ बाद, तो 6 मंथ में आप बच्चों को, 30 बच्चों को डंडा नहीं करोगे कि सबको 10 के 10 चैप्टर करने, उस 30 में से मान लो 20 बच्चों ने तो 10 के 10 चैप्टर कर लिए, और 10 ऐसे बच्चे थे वो सिर्फ 6 चैप्टर ही कर पाए, तो उनके लिए आप जो है अलग तरीके से टेस्ट लोगे, उनके लिए अलग तरीके से, फिर जब वो टेस्ट देने के बाद आगे आएंगे तब आप इन बच्चों के लिए कुछ अलग प्रोग्राम करोगे, इनके लिए कुछ अलग, इनको और ज़्यादा प्रोग्रेस देने की कोशिश करोगे और इनका स्तर उठाने की कोशिश करोगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चों को ध्यान में रख के ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, और इसमें आपने देखा कि सिलेबस भी फिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ बच्चे के ऊपर ध्यान है। जब अगर बच्चे के ऊपर ही ध्यान होगा, मान लो 30 बच्चे हैं क्लास में, 30 बच्चों के ऊपर अलग अलग ध्यान दिया जा रहा है, बस उन्हें इकट्ठा बैठाया जा रहा है ताकि वो ग्रुप में भी कुछ सीख सके और बहुत चीजें उन्हें आ जाएं, तो ऐसे में सबके लिए एक चीज तो नहीं हो सकती। तो करिकुलम का लचीला होना तो ऑब्वियस सी बात हो जाती है, अगर आप इस नजरिए से भी समझने की कोशिश करें तो ये तो एक ऑब्वियस चीज हो जाती है। तो इसमें पाठ्यचर्या यानी कि जो करिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, वो लचीला होता है। अब आपने एक चीज देखी होगी NCF में भी, कि जब भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात आती है तो सबसे पहली लाइन ये उठा दी जाती है, इसको बेस बनाकर ही YouTube पे वीडियो बनाई जाती है, छोटी सी बात है, कि ये जो आपका बाल केंद्रित शिक्षा का पूरा ढांचा है, ये निर्माणकारी, रचनावादी, सृजनवादी शिक्षा का उपागम है। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, यानी कि एजुकेशन देने का ऐसा सिस्टम है जिसमें जब अध्यापक बालक का अधिगम बालक के द्वारा ही होने देता है, यानी कि बच्चा जितनी भी चीजें सीखेगा वो खुद ही सीखेगा, टीचर अपने आप बच्चे को मोटिवेट करेगा, उसके सामने परिस्थिति पैदा करेगा, उसको सीखने के मौके देगा ताकि बच्चा वो चीज सीख ले खुद ब खुद। तो इसमें बच्चा खुद ब खुद सीखता है, देखो निर्माणकारी यानी कि ज्ञान को बच्चा खुद बना रहा है, इसीलिए निर्माणकारी नाम है इसका। कंस्ट्रक्टिव यानी कि द चाइल्ड इज कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन नॉलेज बाय हिमसेल्फ। उसके बाद रचनावादी, रचना करने का मतलब क्या होता है, क्रिएट करना, यानी कि ज्ञान क्रिएट बच्चा खुद करेगा। अगला नाम देखो सृजनवादी, ये नई चीज के बनने के ही सिनोनिम है, ठीक है, अलग अलग एक ही जैसे वर्ड हैं। तो जब बालक खुद अपने आप हर एक चीज को सीखे और उसका अध्यापक उसको सीखने का मौका दे, क्योंकि बच्चों के ऊपर उनके टीचर भी होते हैं, तो ये परिभाषा देना कि बच्चे इसमें खुद सीखें, तो भाई टीचर कहाँ गया, आपने तो टीचर के रोल को ही काट दिया। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपने बुक के अंदर से क्लास लेने से पहले एक चीज़ पढ़ी, या जो चीज़ आपने पढ़ ली अगले वाला बेवजह ही सेटिस्फाई हो गया जिसे नॉलेज नहीं है। तो यूट्यूब पे तो स्टूडेंट आते हैं,
वो अपोज नहीं करते, उन्हें लगता है कि जो चीज पढ़ा रहा है पढ़ा रही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी कि जो ज्ञान वाले जिन्हें नॉलेज है उस चीज की, वो हंसते हैं उस चीज को देख के कि क्या बकवास कर रहे हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में साइकोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आप देखना कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है क्या। आपने आपने एक चीज देखी है, मान लो आप एक आइसक्रीम लेके आओ और आपने आइसक्रीम के ऊपर का कप का एक लिड उतारी और लिड के ऊपर जितनी आइसक्रीम लगी होती है उसको खाया और लिड को फेंक दिया और आप बोले कि क्या टेस्ट था, मेरा तो पेट भर गया। इतना ही कंटेंट इतने डीप टॉपिक्स का आपको यूट्यूब पे मिलता है। एक बार साइकोलॉजी के अंदर जाने दो, 30 नंबर की है, इसलिए शुरू बाद में करवाऊंगा, पहले ये 70 नंबर का मामला सॉल्व कर लूं मैं, इसके 15 एक चैप्टर कर लें फिर उसको साथ में शुरू करेंगे। तो ये समझ गए आप, इसके अंदर जो टीचर होता है वो बच्चे को लर्निंग के मौके देता है। अब देखिए क्लासरूम के अंदर बच्चे भी होंगे और टीचर तो होगा ही होगा, और ऑब्वियस सी बात है जब एक बड़ी उम्र का आदमी 30 अपने से छोटी उम्र के आदमियों को अपने सामने देखता है तो उनके ऊपर उनका बॉस बनने की इच्छा वैसे ही जागृत हो जाती है। जैसे कि मान लो आपको किसी एक घर में 30 दिन के लिए रहने के लिए भेज दिया जाए और आप उम्र में वहां पर सबसे बड़े हो, तो आप एक ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़े हो, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट की एज में बहुत फर्क होता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है वहां पर थोड़ा सा डिक्टेटरशिप चाहोगे, तो टीचर तो ऑब्वियसली चाहेगा ही क्योंकि सरकार ने भी उसको ऑफिशियली वहां पर जो है बैठा रखा है। ठीक है, तो वो क्या करता है टीचर, टीचर अपने आप को सत्तावादी समझ लेता है, वो हर एक चीज को पढ़ाने की कोशिश करता है कि बच्चे खुद कैसे सीखेंगे, चलो मैं सिखा देता हूं, ज्यादा दिमाग खाएंगे। तो यहां पर एक चीज का हमेशा याद रखना कि आपको सिखाना कुछ भी नहीं है, बस आपको सीखने के मौके पैदा करने हैं। जैसे कि मान लो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पढ़ाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ाना है, 4-5 तरीके की गेंद ले आओ स्पोर्ट्स रूम में से जाके और बच्चों को बोलो कि बेटा एक काम करो इनको फेंको एक बार ऊपर थोड़ा सा और देखो एक नोटिस करो कॉमन चीज। तो सब ने नोटिस किया कि सर ये तो नीचे आ रही है, तो बोला कि अब देखो ये नीचे क्यों आ रही है खुद पता लगाओ, मैं आपसे 15-20 मिनट में पूछूंगा, जाओ ओपन बुक टेस्ट है तुम्हारा। तो ऐसे में बच्चे के दिल में यार कैसे आई मैं बताऊंगा गुरुजी, सब पढ़ने में लगेंगे आपस में खोजेंगे दूसरों से पूछेंगे, टीचर साइड में देखेगा कौन नकल मार रहा है कौन कितना एक्टिव है। ये होता है पढ़ने पढ़ाने का तरीका, समझ में आई बात है। तो अधिगम के अवसर प्रदान करेंगे आप, खुद पढ़ाने नहीं जाएंगे, ये नहीं कि बैठो बैठो मैं पढ़ाता हूं गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये है, इसके ये फायदे हैं इसके ये नुकसान है, तू बता गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, परिभाषा दे, ये परिभाषा किसने दी, ऐसे नहीं पढ़ाना। तो सीखने के अवसर देंगे आप, ठीक है, आप सीखने के मौके देंगे, यू विल प्रोवाइड द चांस फॉर द स्टूडेंट टू लर्न ए न्यू कंसेप्ट by himself, you will stimulate him, you will motivate him, आप उसको अभिप्रेरित करेंगे। अब जब आप सीखने के मौके दोगे तो आपके माइंड में यह होगा तो टीचर का रोल क्या हुआ, यह NCF ने भी बता रखा है, बाल केंद्रित शिक्षा में एक टीचर का रोल होता है मार्गदर्शक के रूप में, सुगमकर्ता के रूप में और सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में, यानी कि एक गाइड के रूप में। इन चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन ए टीचर इज ए गाइड, ए टीचर इज ए फैसिलिटेटर, ए टीचर इज ए मोटिवेटर, ए टीचर इज ए लीडर, यानी कि एक टीचर अपने बच्चों को सीखने के अवसर देकर उनके सीखने को आसान बनाता है। जब वो सीख रहे होते हैं और वो कहीं पर अटक जाते हैं तो वो उनको ऑर्डर नहीं देता, वो उनको सजेस्ट करता है, वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो, ये नहीं कि ये करो ऐसे आ जाएगा, नहीं ये करके आप देख सकते हो। बोलने का तरीका, बच्चे को ये नहीं फील होना चाहिए कि टीचर नहीं बता दिया तो मैंने कर लिया, फिर बच्चा मन में तो कहता हाँ सर मैंने कर लिया, लेकिन मन में होता है कि टीचर ने बता दिया था, लेकिन अगर आप उन्हें ये बोला ऐसे करके देख सकते हो तो बच्चा सोचता मैंने ही किया है। तो ये बहुत छोटी छोटी साइकोलॉजिकल चीज होती है जो आप अगर डीप पढ़े हुए हो, पढ़े पढ़ना नहीं, आप अगर एक अच्छे टीचर हो, आप बाय बर्थ टीचिंग आपके ब्लड में है, व्यूज के लिए नहीं करते, तो आपको पता होगा कि कैसे चीजें आपको पढ़ानी है, कैसे बच्चों को खुद सीखने के मौके देने, और व्हाट इज टीचिंग लर्निंग एक्चुअल इज।
तो यहां पर मार्गदर्शक बनना है। जब वो सीख रहे होंगे और उन्हें किन्हीं चीजों की जरूरत होगी तो आप उनको वो चीजें देंगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाना था तो आप स्पोर्ट्स रूम में गए, आप उनके लिए वो फुटबॉल लेकर आए, अलग अलग साइज की बॉल्स लेकर आए, तो आप उन्हें सुविधा देंगे, ठीक है, आप उनके एक जो है रोल मॉडल होंगे, लेकिन आप उनको टीचिंग से थोड़ा सा दूर रखेंगे अपने आप को, उनको खुद सीखने के मौके देंगे। आगे आप बच्चों को सीखने की परिस्थिति का निर्माण करके देंगे, यानी कि यू विल मेक ए सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन, ए सिचुएशन वेयर ए चाइल्ड विल लर्न एनीथिंग बाय हिमसेल्फ, यानी कि ऐसे सिचुएशन बनाएंगे कि बच्चे अपने आप ही सीख लें, जैसा मैंने आपको एग्जांपल पीछे देके बताया। अभी प्रेरक पुनर्बलन की भूमिका होती है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में टीचर की, क्यों? अब देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर टीचर बच्चे को खुद ही सब कुछ सीखने के लिए दे रहा है, कह रहा है, और बच्चा खुद ही सीख रहा है, तो जब काम वो करना सीखेगा और सीखना जारी रखेगा तो कौन सी मोटिवेशन उसके काम आएगी? मोटिवेशन दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ये होती है आंतरिक, इसके अलग अलग नाम है, आंतरिक बाह्य प्राथमिक मुख्य। दूसरी होती है एक्सटर्नल, ये होती है बाह्य, इसके कई नाम है, द्वितीय सेकेंडरी गौण क्षीण बाह्य, बहुत अलग अलग हैं इसके नाम। तो इंटरनल मोटिवेशन का मतलब कि जब किसी काम को करने की इच्छा, किसी काम की नीड आपको उत्पन्न हो गई और आप इंटरनली मोटिवेटेड है उस काम को करने के लिए, आपको भूख लगी है तो आपके पैर अपने आप फ्रीज की तरफ जाएंगे, पानी आप निकाल कर पियेंगे, आप बोलेंगे मजा आ गया यार, तो आप गए वहां पर, आप फ्रीज खोलते ही खोलते, चाहे फ्रीज इस घर में क्या 2 किलोमीटर दूर होता और वही एक फ्रीज होता, आप वहां पर भागते क्योंकि आप इंटरनली मोटिवेटेड थे पानी पीने को। लेकिन आपका एक दोस्त आया, बोला कि एक काम करें 10 किलोमीटर दूर ना चलो मैंगो शेक पी के आते हैं, वो बोला कि यार छोड़ ना, क्यों? एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ी वो काम करने के लिए। अगर उस टाइम पर 10 किलोमीटर दूर वो पानी की बोतल होती जो आपको चाहिए तो आप भागे जाते वहां पर, लेकिन यहां पर आप अपने काउच से ही लेंगे नहीं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन एक अलग टॉपिक, उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बात समझ लें कि जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो इंटरनल मोटिवेशन को साथ लेकर पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनल मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, कभी कभी इसके स्तर में गिरावट हो जाती है। जब भी इंटरनल मोटिवेशन की कमी होती है तब एक्सटर्नल मोटिवेशन देकर उस कमी को पूरा किया जाता है, क्यों? ताकि लर्निंग चलती रहे, बच्चा सीखना जारी रखे, सीखने को बीच में छोड़ ना दे। इसलिए जब बच्चे की खुद की मोटिवेशन कम होगी तो बाह्य मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज सोच के देखो, बच्चे की इंटरनल मोटिवेशन कम हो गई है और हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन देनी है, ये एक टीचर को सपना तो आएगा नहीं। 30 बच्चे हैं, 30ों के ऊपर नजर रख रहा होगा तभी तो पता लगेगा ना। या कोई बच्चा आपके पास है, सर मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई है, एक्सटर्नल मोटिवेशन दो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, या मैं पढ़ना नहीं चाहता, मेरी इंटरनल मोटिवेशन खत्म हो गई, टीचर को कब पता लगेगा? ना उसके पड़ोसी आके बताएंगे, जब वो नजर रखेगा। और वो नजर रखना क्या होगा, यहां पर मैंने क्या बताया था कि वो बच्चों को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, पर्यवेक्षक करेगा। तो टीचर को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में भी, क्यों? क्योंकि एक्टिव रहेगा, नजर रहेगी बच्चों के ऊपर, तभी पता लगेगा कि बच्चे की, ये बच्चा सीखते हुए अब घबरा रहा है, अब बच्चा उतना सीख नहीं रहा, क्या दिक्कत आ रही है, इंटरनल मोटिवेशन में कमी आ गई है या लर्निंग प्लेटो आ गया है? कैसे पता लगेगा? जब वो एक्टिवली बच्चे को ऑब्जर्व करेगा। तो यहां पर टीचर जब एक्टिवली ऑब्जर्व करता है और उसे लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन में कमी आ गई है तो उस टाइम पर वो एक्सटर्नल मोटिवेशन देता है, और टीचर की ये एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या कहलाती है? पुनर्बलन। यानी कि बच्चे की हिम्मत टूट गई थी लेकिन उसे दोबारा से उस कार्य को करने की शक्ति मिल गई, पुनर्बलन, यानी कि दोबारा से बल मिल गया, दोबारा से शक्ति आ गई है काम को करने की। और वो शक्ति किसने दी? टीचर ने, क्योंकि उसे पता लग गया था कि अब बच्चे के इंटरनल मोटिवेशन में कमी आ गई है। तो आप ये चीज सोचा करो दोस्तों कि कैसे पता लगेगा इंटरनल मोटिवेशन का, कान में आके तो बताएगा नहीं, ऑब्जर्व कर रहा होगा। ये ऐसी छोटी छोटी बातें दोस्तों वही टीचर आपको बताएगा जिसको ये नहीं है कि भाई 30 मिनट हो गई यहां से, मुझे इन कोचिंग वालों ने आधे घंटे के ही मेरे को बोल रखी है तो मुझे आधे घंटे में मेन मेन पॉइंट बताने हैं, या समझ गए ना, तो ये फॉर्मल जॉब से पैसे लेते हैं जिनका मेन एम ये है कि बस जल्दी से
खाना पूर्ति कर दी जाए, वो ये चीज़ आपको नहीं बताएंगे। और जब तक आप ये चीज़ पूछोगे नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होगी। तो टेंशन ना लो दोस्त, कहते ना गलत भाई के हाथे चढ़ गए हो तुम। तो उनके लिए ये कि गलत भाई के हाथे चढ़ गए हो तुम, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपकी बार डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कराऊंगा ना दोस्त, मजा आ जाएगा आपको। आगे देखो, यहाँ पर दोस्त अब देखो, टीचर यहाँ पर रीइन्फोर्समेंट भी देता है, पुनर्बलन भी देता है, लेकिन यहाँ पर टीचर की भूमिका स्काफ होल्डर की भी होती है, मचान देने वाले की भी होती है, पाड़ देने वाले की भी होती है। स्काफ होल्डर होता है टीचर, इसका मतलब क्या है? स्काफ होल्डिंग क्या होता है? एक बच्चा है राम, उसको मान लीजिए पहाड़े आते हैं, कहां तक? 10 तक पहाड़े आते हैं, लेकिन उसके साइड में खड़ी थी मोगली मैडम। मोगली मैडम ने बच्चे की मदद की और बच्चे ने पहाड़े सुना दिए 15 तक। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जो बच्चे की वास्तविक क्षमता थी, यानी कि ओरिजिनल एबिलिटी थी, वो 10 तक थी, लेकिन ये 15 तक उसकी अब क्या हो गई है? नई क्षमता। किसकी वजह से हुई है? मोगली मैडम की मदद की वजह से। ये पूरा खेल क्या कहलाता है? ZPD। यानी कि जब कोई बच्चा अपनी वास्तविक क्षमता से ज्यादा परफॉर्म करे किसी दूसरे की, अपने से बड़े की मदद से, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ, यानी कि जो बच्चा था उसे पहाड़े आते थे 1 से 10 तक, लेकिन अब उसे पहाड़े आ गए 15 तक, ये किसकी वजह से हुआ? 1 से 10 तक हुआ खुद की वजह से, खुद की क्षमता। और ये डिस्टेंस कब कवर हुआ? 10 से 15, ये वाला, ये डिस्टेंस कवर हुआ मोगली मैडम की मदद से। तो ये 10 से लेकर 15 जो मदद की गई है बच्चे की, ये स्काफ होल्डिंग कहलाती है, ठीक है? और ये 10 से 15 वाला जो एरिया है वो ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे ने विकास तो किया है, लेकिन ये ऐसा क्षेत्र है जो दूसरों की मदद से किया गया है। तो ये पूरा कंसेप्ट दिया था वाइगोत्स्की ने। इसका पोस्टमार्टम करेंगे जब ये चैप्टर हमारे साइकोलॉजी के अंदर आएगा, और पैडागोजी के अंदर भी आ सकता है, देखता हूं मैं। तो याद रखना कि ये जो स्काफ होल्डिंग होगी ये टेम्पोरेरी होगी। अगर मान लो दूसरे तीसरे दिन आप गए बच्चे के पास और बोला कि 12 का पाठा सुना, क्या वो सुना देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मोगली मैडम अब उसके पास नहीं है। लेकिन परसों मोगली मैडम उसके पास आ गई, वो उसकी मदद कर देगी, वो सुना देगा बीच बीच में, जहां पर वो भूल जाएगा वो उसकी मदद करेगी और वो सुना देगा। तो ये टेम्परेरी होगी स्काफ होल्डिंग, याद रखना। जो बड़ों की ये जो मदद होगी ये टेम्परेरी होगी। इसे पाड़ देना भी बोलते हैं हिंदी में, इसे मचान देना भी बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे कि घर के ऊपर गुमटी नहीं बना देते हैं कि ऊपर कुछ नहीं होता, बस घर की हाइट हाइट बढ़ा दी। तो आगे देखो, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल होता है। बच्चे की 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, 5 सेंसेस होती है, और चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में बच्चों की 5 की 5 सेंसेस को ट्रेन करने की बात की जाती है। उसके अंदर कहा जाता है कि अगर आप बच्चे की सेंसेस को ट्रेन करोगे तो बच्चे खुद भी नई चीजें सीखेंगे और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। बच्चे की पूर्ण विकास की बात इसके अंदर होती है, पूर्ण विकास, विकास के तीनों क्षेत्रों की बात। कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी कि मानसिक, भावात्मक और मनोशारीरिक, पूरा विकास करना है बच्चे का। और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पूर्ण विकास कब होगा? जब उसकी पूरी इंद्रियों को ट्रेन करोगे, खुद बच्चे का विकास इससे होगा। सीखना व्यवहारिक और सामाजिक है, याद रखना दोस्त। व्यवहारिक क्या होता है? व्यवहारिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप डेली मर्रा के उससे करें। जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं, नमस्ते आंटी, राम राम अंकल,
जब आप ऐसे बोलते हैं तो ये आपने जो ये सीखा है कि ऐसे नमस्ते आंटी, राम राम अंकल, राम राम ताऊ, ऐसे जब आप बोलते हैं नमस्ते ताई, तो इसका मतलब क्या है? जब आपने ये चीज़ सीखी है और ये चीज़ जो आपने सीखी है उसकी नेचर कैसी है? व्यवहारिक। तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में बच्चा खुद अपने निजी एक्सपीरियंस से सीखता है। जैसे बच्चों के लिए आपको गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स का वो चैप्टर जो आपको पढ़ाना था, आप जल्दी से स्पोर्ट्स रूम में से जाके बॉल ले आए, 4-5 तरीके की फुटबॉल, और जब आपने बच्चों को वो कंसेप्ट सिखाया तो वो व्यवहारिक तरीका था, वो कोई ऐसा बुकिश तरीका नहीं था, वो कोई ऐसा तरीका नहीं था जहां पर बच्चे को खुद पता था कि अब क्या पड़क होने वाली है। बच्चों को पता भी नहीं था कि वो सीख रहे हैं। तो इसके अंदर सीखना व्यवहारिक होता है, व्यवहार के थ्रू ही, नॉर्मल रूटीन के थ्रू ही सीख लेते हो। और ये सामाजिक भी होता है, क्योंकि बच्चा जब सीखता है तो बेशक ही अकेला सीखता है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा में भी बच्चा जो चीज़ें सीखता है वो समाज के हित में होती हैं और उसको उसी ओर लेके जाती है कि खुद उसे आगे चल के एक अच्छा नागरिक बन के अपने समुदाय का विकास करना है। तो सीखना इसके अंदर व्यवहारिक और सामाजिक होगा। दूसरों से भी सीखेंगे, खुद भी सीखेंगे, दूसरों के अंडर में उनकी ऑब्जर्वेशन में भी हम सीख रहे होंगे, और सीखने का जो तरीका होगा वो भी कोई इतना फॉर्मल नहीं होगा, व्यवहारिक होगा। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के इस 7वें चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्त, मैंने कल भी ये वीडियो बनाई थी इतनी ही देर की, लेकिन वहाँ पर वॉइस नहीं आई तो मुझे वो डिलीट करनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, ये मैंने दोबारा से बना दिए। 8वां चैप्टर काफ़ी जल्दी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और दोस्त, अपनी पढ़ाई के अंदर ही ध्यान दे, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। कोई भी टीचर दोस्त आपको बात करता दिखेगा, बकवास करते दिखेंगे, आपस में लड़ते दिखेंगे, लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी उनके अंदर, वो कॉमन क्या होगी? वैकेंसी। दूसरी कॉमन क्या होगी? कोर्स। सबके कोर्स होंगे, कोई दूध का धुला नहीं होगा। कोर्सेज और वैकेंसीज, इनके ऊपर ही सब लड़ेंगे। आपके लिए फ्री में चीज़ें, आपके लिए सेल्फ स्टडी, और आप अलग हैं, अपना तरीका आपको दूसरों से अलग रहकर ही बनाना पड़ेगा। और कोई आपको ये नहीं बताएगा कि जब आप तैयारी करेंगे, हड्डियां गलाएंगे, जब आप जलेंगे तो धुआं पैदा नहीं होगा। शोर मत मचाओ, घर पर बैठकर अपनी तैयारी से इनके मुंह बंद करो, इनको करने दो, इनको आपस में लड़ मरने दो, अपनी तैयारी जारी रखो। और एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आप अपने स्टूडेंट को भी समझाएं, अपने जो साथी हैं उनको समझाए, और मेरे पास भी कई कमेंट आए कि सर अभी तो हम सीटेट पास नहीं हुआ, हम सीटेट की तैयारी कर लेते हैं, फिर बाद में उसके पास करने के बाद डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करेंगे। दोस्त, जो ये सीटेट है ये आपके जॉब के अंदर बनना है रुकावट, मैं कह रहा हूँ कैसे। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखना। यहाँ पर आपने डिप्लोमा कर लिया, और यहाँ पर मान लीजिए आपने अलग अलग नाम, जैसे JBT होगी, DLED हो गया, आपने ये कर लिया, यहाँ पर आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको आपका एम क्या है? जॉब है आपका एम। लेकिन यहाँ पर दो एग्ज़ाम आपको मिलते हैं, एक तो आपको मिलता है सीटेट का एग्ज़ाम, और यहाँ पर DSSB KVS और XYZ और नौकरी के एग्जाम। अब क्या होता है कि ये एग्जाम निकलते हैं कई साल में, निकलते कई साल में है, लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाती है तो इनके लिए जो टाइम होता है मैक्सिमम 3 मंथ का मिलता है, मैक्सिमम 3 मंथ का। ये जो होते हैं ये हर साल निकलते हैं, इनका निकलना तय होता है, इनके पेपर भी तय होते हैं कि यही आएंगे, इसी तरीके के आएंगे, लेकिन मान लो 2 या 3 साल के बाद इनकी वैकेंसी निकले, 2 या 3 साल के बाद, और 80% स्टूडेंट बार बार 3 साल, 3 बार इसकी तैयारी करते रहे तो वो 3 महीने में इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये तो हुआ पहला नज़रिया। दूसरा नज़रिया ये है, अगर आपने सीधा ये डिप्लोमा कर लिया और आप फिर लग गए अपने DSSB की तैयारी में, और मान लो आपने सीटेट पास नहीं किया है, जब आप इसकी तैयारी में होंगे तो सीटेट के आप लगभग 3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, 3 अटेम्प्ट दे चुके होंगे,
ऐसा तो नहीं है कि हर छः महीने में टेट की तरह ये दोबारा खड़ा मिलेगा, छः छः महीने में तो नहीं मिलेगा, तो उसके बीच में टेट एग्जाम बहुत बार आएंगे। तो याद रखना कि जब आप डी ट्रिपल एस बी की तैयारी करोगे तो इसका जो लेवल है, इसके अंदर जो चीज़ें हैं, वो सी टेट की चीज़ों को अपने अंदर इंक्लूड कर लेती हैं। समझ में आई बात? तो आपका जो डिप्लोमा करने के बाद 3 साल तक जो माइंड जो है वो डील कर रहा होना चाहिए, वो किससे डील कर रहा होना चाहिए, वो जॉब पाने के एग्जाम से डील कर रहा होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट 90% क्या करते हैं, इसी उससे पहले वाले फ्लोर पर ही वो 3-4 साल डील करते रहते हैं, और जहां पर वो डील करते हैं वो चीज 10% है, और जो अगली चीज जो उन्हें डील करनी है वो 100% है। तो जो अगर आप 100% को ही 3 साल तक डील करते हो, और हर महीने में जब 6-6 महीने में आपको 10-10% वाली चीज़ें यानी सीटेट फेस करने को मिलेगा, तो उसको इजीली उड़ा दोगे आप। तो सीटेट तो तैयारी करने के लायक ही नहीं है। मैं आपको अगर ईमानदारी से बता दूं भाई, मेरी बातें जिसको ये लगे कि भाई गलत बोल रहा है, तो भाई आपका पर्सनल नज़रिया हो सकता है, पर मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। तो मेरे नज़रिए में सीटेट की तैयारी करना व्यर्थ है, क्योंकि अगर आप बड़े एग्जाम की इनकी तैयारी करते हो तो सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर, तो ये तो अपने आप ही कर लोगे, समझ गए। तो दुनिया की तरह चलो, दुनिया की तरह ही रहो। जो मैंने कहा है कुछ पल्ले पढ़ाओ, कमेंट करके बताना, 8वां चैप्टर भी आपके लिए आएगा। निश्चिंत रहो तुम, मजे मारो। क्वेश्चंस के लिए अभी मुझे कहना नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे आपकी तैयारी अच्छे से करानी है। आपको, आपके माइंड को कंडीशन कर दिया गया है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम बीतने दो। मैं, आप अगर डॉक्टर के पास जाकर ये बोलोगे सर मुझे ये बीमारी है मुझे ये चीज़ दे दो, डॉक्टर को पता है कि ये चीज़ अगर उसको दे दी तो उसकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो डॉक्टर क्या आपको वो चीज़ दे देगा? नहीं देगा। तो ऐसे ही मुझे अभी क्वेश्चन देने की ज़रूरत नहीं है आपको, पहले हम चीज़ें करेंगे, क्वेश्चन भी आपको दूंगा, मैं नाकों तक भर दूंगा क्वेश्चन दे दे के। तो टेंशन मत लो, मैं चीज़ें अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ें आपके लिए कर रहा हूँ। मैं अपने लिए चीज़ें कर रहा था टेट वेट इन चीज़ों के लिए, लेकिन जहाँ पर बात आती है डी ट्रिपल एस बी की, दिस इज माई लव, तो इसके लिए जितने भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यू कैन फील इट यार, कि काम किसके लिए हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट योर लव, एक प्यारा सा कमेंट, दोस्तों तक शेयर, और एक लाइक का बटन, और जगा उन्हें, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर एक जने के अंदर भी ये बात समझ में आ गई तो एकदम से ही समझ में आती है कोई बात है। 10-10 घंटे समझाने से समझ में नहीं आती, अगर आपको समझ में आ गई तो अभी से जाग जाना है आपको, अपनी तैयारी में लगना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है, और शेयर कर दो सभी दोस्तों के मोबाइल पर, ठीक है दोस्तों, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।